हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए थे डेरिव का, जो डेरिव ब्रोकर जो है ना, इसका अकाउंट किस तरह क्रिएट करता है। तो थोड़ा दूसरे जो ब्रोकर्स हैं उनसे थोड़ा इसका जो ना वो मेथड डिफरेंट है, तो एक एक बंदे को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, वो इसमें ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले करना क्या है, आपने अपनी एक जीमेल बना लेनी है, ठीक है। जो भी आपके पास ऑलरेडी जीमेल है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो एक नई जीमेल बना लेनी है आपने। जीमेल बनाने के बाद जो है ना, वो मैं इस अपने ब्रोकर जिस पर मैं काम कर रहा हूँ इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक पे हमने करना है क्लिक करने के बाद इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारी जीमेल एक्टिव है, जिसका हमें आईडी और पासवर्ड हमारे पास होता है, वो ही हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, लिख देनी है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि जो भी डाटा एज़ पर आपकी आईडी है, जो भी उस पर नाम लिखा है और जो भी एड्रेस आपकी आईडी कार्ड पे लिखा है सेम, वो ही एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे भी आपने पुट करना, यानी कि जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आईडी के ऊपर है वही आपने आईडी वही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है जी। जब हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, उस सबसे पहले हमने आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो अपना जीमेल है वो लिख देना। अब मैं यहाँ पे एक न्यू जीमेल बनाया जस्ट फॉर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, डेरिफ बूम 7865@gmail.com, ठीक है जी। इसको मैं क्रिएट अ डेमो अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अ डेमो अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक लिंक चला जाएगा आपकी जीमेल पे। यहाँ से बैक जाना है, अपनी जीमेल को जो है ना वो आपने जाके चेक करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ ये देखिए आपके पास आपका लिंक आ गया। यहाँ पे आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल क्लिक करने के बाद सिंपल इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा ब्राउज़ कर रहा है, इंटरनेट का इशू है इस वजह से थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास